अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है फ्राइड मलाई रोटी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो है 1 kg लिया है मटन, ये बिल्कुल बोनलेस है, इसमें कोई मतलब हड्डी नहीं है, तो ये हम लोगों ने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ठीक है। 1 kg हम लोगों ने ये लिया है मटन, और इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो स्पाइसेस लिए हैं ये है वाइट पेपर 1/2 tablespoon, 1 tablespoon सॉल्ट, 1/2 tablespoon ज़ीरा, और 1/2 tablespoon ही गरम मसाला है, और 1/2 tablespoon ही ब्लैक पेपर है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने तकरीबन ये लेनी है 3 से 4 चम्मच दही के, और ये है धनिया, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, ठीक है। तो 3 मैंने हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने लेना है 3 tablespoon कुकिंग ऑयल के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये आज की जौन सी रेसिपी है ये मेरी है, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जौन सी हमारी शेफ़ है वो कहाँ पर है, वो आज नज़र क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं बोल रही, उनकी रेसिपी को मैं क्यों बता रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ कि ये जौन सी आज की रेसिपी है ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैं खुद बनाती हूँ। तो इसलिए आज मुझे मम्मा ने कहा कि तुम्हें फ्री हैंड है कि तुम जैसे मर्जी आज की जौन सी रेसिपी है उसको बनाओ, अपने जो देखने वाले उनके साथ शेयर करो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ। तो आज की जौन सी टोटल रेसिपी है वो मेरी है, आपको मैं ही बनाना सिखाऊंगी। तो थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, मम्मा की तरह तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर अंदाज में सिखा सकूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को, क्योंकि ये रेसिपी मैं ही मुमन घर में बनाती हूँ, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि आज आली नाल तुम ही हो, तुमने ही इसको बनाना है। तो हमने ये तमाम सर स्पाइसेस जो से लेंगे इसके अंदर शामिल कर देने हैं मीट के अंदर, ठीक है, और हम लोगों ने योगर्ट भी डाल देना है। इस सब कुछ हम लोगों ने एक साथ इसके अंदर डाल के इसको मैगिनेट कर लेना है। मैगिनेशन हम लोगों ने इसको तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए करनी है, इसको हमें रेफ्रिजरेटर में रख देना है। पहले हम लोग इसकी मैगिनेशन करेंगे, इसके बाद इसको कुक करेंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आप लोग इसको मलाई बोटी की हद तक अगर आपने फ्राई नहीं करना तो मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं साथ साथ इसको बनाऊंगी तो आपको गाइड भी करती रहूंगी कि अगर आपने मलाई बोटी बनानी है तो इसकी रेसिपी ये है, तो आप सिर्फ इसको वहाँ पर कुक करने के बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर भी डन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको मतलब फ्राई भी करती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को 2-in-1 आज रेसिपी जो है वो सिखा दूँगी। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं कि मज़ेदार से जो फ्राई मलाई बोटी है वो कैसे तैयार होगी। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हर जो सारी चीज़ें आपको दिखाई थी सबको डाल के मैगिनेट कर ली है इसको, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप लोग यहाँ पे थे तो आप लोगों में पानी आ जाना था, और आप लोग कहते जल्दी से इसको बना लो और हम लोग खा लें। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आपको जो से मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको सिंपली मैगिनेट किया है, और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह दिखने में अभी कितना मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि बेसिकली मलाई बोटी को हम लोगों ने फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो मसी है वो मलाई बोटी तैयार हो गई है, अब इसको मैगिनेट करके मैं रख रही हूँ, और फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ 2 से 4 घंटे के लिए मैं इसे रखूँगी रेफ्रिजरेटर में, ताकि जो मैगिनेशन है वो अच्छे से इसके अंदर रच जाए, जो जायका है वो अच्छा सा मज़ेदार सा बन जाए। तो अगर व्यूअर्स आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट करें, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको जो सी मैंने रेसिपी सिखाई है वो कैसी लगी, क्योंकि मम्मा की रेसिपी को तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन अब आज मेरा इम्तिहान है तो मुझे बताइएगा ये जो रेसिपी मैं आपको सिखा रही हूँ वो कैसी लगती है। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो सा मैगिनेट किया हुआ मीट है इसको हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है। तो अब हम इसको पहले पका लेते हैं, अब पकाने के बाद फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे ठंडा होने के बाद। तो वही मैगिनेशन, अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को पता होगा मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, कितनी कितनी मिकदार में ली हैं, क्योंकि जो आज की हमारी रेसिपी है वो है मलाई रोटी, फ्राई मलाई रोटी। तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर जो इसको तैयार करना है मीट को, ठीक है, जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों ने ना इसको फ्राई करना है। मैगिनेशन मैंने इसे करके रख दी थी तकरीबन 2 से 4 घंटे के लिए, हमने इसको मैगिनेट किया था, रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। तो सब चीज़ें मैंने डाली हुई हैं इसको पकने के लिए, अब रख रहे हैं, जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसको मज़ीद आपको फाइनल करके दिखाएँगे कि जो मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड मलाई रोटी वो कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आज की वीडियो को पूरा देखना। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिकन है वो पक रहा है, पानी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब गोश्त का निकल आया है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो लीमू वो भी डाला था। तो अब हम लोग इसको खुश्क कर लेते हैं, मतलब जब ये खुश्क हो जाएगा, क्योंकि अभी गोश्त भी नहीं गला तो गोश्त भी गल जाएगा, तो फिर जो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है वो हाफ कुक हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने मलाई बोटी बनानी तो जिस स्टेज पर फाइनल होगी मैं आपको उस पर भी गाइड कर दूँगी कि अगर आपने वो ही फाइनल करना है तो आप लोग एक स्टेज पर इसको मलाई बोटी को, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि आज की रेसिपी है फ्राइड मलाई बोटी
इसको बनाने के बाद हम लोगों ने ठंडा करना है और फिर इसको फ्राई करना है। तो अभी पानी बहुत ज़्यादा, इसको हम खुश करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं कि मज़ेदार से हमारी उनसे आज की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो आप लोगों ने कहीं जाना, आज की वीडियो को पूरा देखना है। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सा हम लोगों ने गोश्त पकने के लिए रखा था मलाई बोटी, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी जो सी है फ्राइड मलाई बोटी है। तो यहाँ पर ये जो है गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया, गल भी गया। देख सकते हैं आप लोग कि जो इसका पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो सा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने जो मलाई बोटी इसको पहले तैयार कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाली, क्योंकि आज की जो सी रेसिपी है वो मेरी है और आज ऑल इन ऑल जो कि रेसिपी में वो मैं ही हूँ और सब कुछ मैं बता रही हूँ आपको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो सी आज की मेरी रेसिपी है फ्राइड मलाई बोटी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। तो अभी पर चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ये जो सा है ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और मैदा, ठीक है। इसको हम इसके ऊपर से स्प्रिंकल करना है, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। और ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा इसके अंदर मसाला भी है, तो उसके साथ उसका फ्लेवर जो सा है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, हम अपनी फीडबैक दें। तो इसके ऊपर मैं इसको स्प्रिंकल करती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ, इसको फ्राई करती हूँ। तो व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना है और देख के बताना कि ये मज़ेदार सी जो सी रेसिपी है वो आपको कैसी लगी है। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। ये जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया था इसको मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर मिक्स कर लिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर जो है कुकिंग ऑयल उसको गर्म होने के लिए रख दिया, खास टेम्परेचर पर इसको गर्म करना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ठंडे में डाल दिया तो जो हमारी चीज़ है वो भी ख़राब हो जाएगी। अगर ज़्यादा हमने तेज़ गर्म घी में डाल दिया तो चीज़ जल जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स अब यहाँ पे हम लोग जो सी मलाई बोटी इसको फ्राई कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह इसको कितनी आंच पर घी को गर्म कर लिया है, उसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने सारी जो सी मलाई बोटी इसको फ्राई कर लेना है और फिर जो सी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है फ्राइड मलाई बोटी की वो तैयार हो जाएगी। तो इसको फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारी फ्राइड मलाई बोटी है वो तैयार हो गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको डेकोरेट कर लिया है। अब हम लोगों ने जो फाइनल करना है वो ये है कि हम लोगों ने इसकी जो मज़ीद डेकोरेशन है वो दही की चटनी के साथ करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये अब मैं इसके ऊपर ये जब हमने इसके ऊपर ज़रा दही भी लगा दी है और आप इसको दही के साथ या केचप के साथ सर्व करें तो ये देखें मज़ेदार सी कितनी प्यारी लग रही दिखने में। तो व्यूवर्स आप लोगों ने मुझे अपनी फीडबैक देनी और बताना है कि जो मज़ेदार सी रेसिपी है जो सी फ्राइड मलाई बोटी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको कैसी लगती है। तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह हाफिज़।